गोरखपुर सदर लड़ना है और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ूंगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की सियासत बहुत ही गजब है। यहाँ नेता चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे ही नेता के बारे में जो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना नाम चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। नेता जी का नाम है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर इस बार गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और योगी जी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि जब तक वह चुनाव प्रचार करेंगे उतने में योगी जी जीत का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आ जाएंगे। फिर भी वह योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ताकि योगी विरोधी का टैग उन्हें मिल सके। क्या चंद्रशेखर योगी के सामने टिक पाएंगे या तो भविष्य की गोद में कैद है? लेकिन उससे पहले यह जानिए कि योगी जी को गोरखपुर में जितना मुश्किल में डाला जाएगा उतना ही उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट है जहां हर दल की जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर का हाथ जिस नेता पर होता है जीत उसकी ही पक्की होती है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर से सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई है। वहीं अगर गोरखपुर सीट पर वोटर्स की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। यहां कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। ऐसे में कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रावण की जमानत कहीं जब्त ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि नाम चमकाने के चक्कर में रावण चकमा खा जाए, क्योंकि भाजपा साल 1989 से 1997 तक के विधानसभा चुनाव में इस सीट को लगातार जीत रही है। 2002 के चुनाव में इस सीट से हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीतने में कामयाब हुए थे, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ खुलकर लड़ाया था। हालांकि आगे चलकर डॉक्टर राधा मोहन भाजपा में शामिल हो गए। साल 2007, 2012 और 2017 की बात करें तो डॉक्टर राधा मोहन ही भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़ा दिखाता है कि गोरखपुर में वोटिंग सिर्फ और सिर्फ योगी के नाम पर ही होती है।